अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैं अभी आई हूँ वरीमाम, और मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में कि मैंने कहीं जाना है। तो मैंने आना था यहाँ वरीमाम दरबार पे, क्योंकि पिछले दिनों मैंने एक मन्नत मानी थी, तो ऐसा काम था वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए मैंने मन्नत मानी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरी मन्नत पूरी हुई जी। तो मैं ये बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मन्नत पूरी हुई, और आज मैं चादर चढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे हाथ में ये चादर और ये फूल हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दरबार की तरफ। अभी बहुत सारे लोग मुझसे एतराज़ भी करेंगे, लेकिन हर बंदे का अपना अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत पक्का अकीदा है कि अल्लाह ताला से आप इनके नेक बंदों और बुज़ुर्गों के वसीले से मांगें तो ज़रूर मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को दरबार की तरफ लेके जा रही हूँ। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे और मैंने क्या करना है और किस तरह से करना है। प्लीज़ मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा, बहुत सारे पिंपल्स बनते जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको अंदर चल के मिलती हूँ। तो ये दरबार की दूसरी साइड पे मैं आ चुकी हूँ। अभी मैं एंटर हो जाऊँगी सहन में, तो आगे चल के दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये दरबार का ओवरऑल व्यू है। ये लेडीज़ साइड है, ये अब मैं आपको आगे लेके जा रही हूँ लेडीज़ वाली साइड पे। जी तो थोड़ा सा शोर था, तो मैं यहाँ साइड पे होके आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा जो भी काम था वो हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं हस्बे तौफीक जो भी होगा वो करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मेरा वो काम हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और बुज़ुर्गों के वसीले से मेरी ये दुआ सुनी। बेशक देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह ताला की है, लेकिन वसीला दुनिया में भी है और आखरत में भी है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आएँ, मांगें, अल्लाह ताला से मांगें, लेकिन बुज़ुर्गों के वसीले से मांगें। और आज मैं एक और भी मन्नत मान के जा रही हूँ, आप लोग भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि मेरी वो मन्नत पूरी हो, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दोबारा आऊँ। और मैंने आप लोगों से और क्या बात करनी थी, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे मुझसे ज़्यादा बात नहीं हो रही। तो चले, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। जी तो मुझे आप लोग बताइए कि कौन कौन इस दरबार में पहले आ चुका है और कौन कौन अभी तक नहीं आया। पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो तो लाजमी आ चुके होंगे, कभी ना कभी एक बार ज़रूर आए होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ आती रहती हूँ, और आप लोगों के लिए एक और व्लॉग भी आएगा, जो कि मैं गोड़ला शरीफ गई थी
वो भी व्लॉग इंशाल्लाह इसके बाद आएगा। ये आपको आज ही मैं संडे को ही अपलोड कर दूँगी और वो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो साथ साथ एडिट करके साथ साथ ही अपलोड कर देती हूँ। मैं स्टॉक नहीं रखती, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होती है कि बार बार जो है मुझे करना पड़ता है और मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे डेली सोचना पड़ता है कि आप लोगों के लिए और कौन सा कंटेंट लाया जाए। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मैं आपको दरबार का पूरा सहन वगैरह और ओवरव्यू दे रही हूँ पूरा। ये देखिए, ये देखिए, और जो मैंने मन्नत मानी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख करोड़ बार शुक्र है कि वो मेरी मन्नत पूरी हुई, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक मसला था और वो मसला मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वो मसला शेयर नहीं कर सकती, लेकिन ये मैंने शेयर कर दिया है कि हाँ जी वो मन्नत पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे समझ नहीं आ रही और मैं आप लोगों से क्या क्या बातें करूँ, क्योंकि इस टाइम मैं थक चुकी हूँ। और लेकिन दरबार में आके बहुत अच्छा सा फील होता है, मुझे तो होता है, आप लोगों को पता नहीं होता, नहीं होता। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कौन कौन दरबार पर जाता है और कौन कौन नहीं जाता, और आप लोग मुझसे ये भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो किस किस सिटी से हैं और वहाँ पर कौन कौन से मशहूर दरबार हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहूँगी। मुल्तान का तो इंशाल्लाह मेरा प्लान बन रहा है, मैं ज़रूर मुल्तान जाऊँगी, वो तो वैसे भी औलिया की सरजमीन है। तो इंशाल्लाह मुल्तान में बहुत जल्द जाऊंगी और मुल्तान वालों आप लोगों से भी मिलूंगी। और इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करूंगी, अगर आगे कुछ करती हूं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, फिर उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी तक के लिए मेरी वीडियो यहीं तक थी, उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे मैं आप लोगों को क्या दिखाती हूँ। अगर कुछ नहीं दिखाती तो यहीं पर मैं निकल रही हूँ दरबार से, और वीडियो का एंड मैं अब यहीं पर करूँगी क्योंकि बाहर रश भी है और धूप भी है। तो अब चलते हैं बाहर और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी। शोर की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, मे भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़े, ये तो अब मैं घर जाके सुनूंगी कि आवाज़ सही है कि नहीं। अगर सही ना हुई तो फिर इंशाल्लाह वॉइस ओवर करके आप लोगों को बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।